बस बस। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब बारिश का मौसम हो रहा है, फिलहाल ठंडी भी हो रखी है, लेकिन आज हम आपको ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसका मजा इस मौसम में और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा पराठा। तो गाइस, हम लोग हैं फिलहाल जयपुर में और बारिश आ रही थी, भूख भी हमको लगी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ नई चीज आज दिखाई जाए। गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम आ चुके हैं, लिखा हुआ है 32 इंच पराठा। 32 इंच का मतलब है गाइस 3 फीट, ठीक है, 3 फीट का पराठा हम आज आपको दिखाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसा पराठा बनता है, किस तरीके से उसकी मेकिंग की प्रोसेस होती है और कैसा उसका टेस्ट होता है, दिखने में वो कैसा दिखता है, कितना उसका वजन होता है, बहुत सारी चीजें। फटाफट से शुरू करते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और यार बारिश जो है वो कंटिन्यूसली जो है गीला करे जा रही है, लेकिन जो पराठे का मजा है गाइस वो तो कहीं ना कहीं जो है इस मौसम में और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। और मेरा मन ही नहीं कर रहा गाड़ी में घुसने का बाहर आने के बाद, भले ही ठंड में बारिश में भीग रहा हूँ। देखते हैं गाइस कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पराठा दिखता है, फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग तो वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है वो जरूर से दबा देना। बस तो भाई साहब, अरे बारिश यार, बारिश आ रही है। भाई साहब जिनको नहीं पता फिर से बताता हूँ, हम लोग है पिंक सिटी यानी कि जयपुर में और यहाँ पर मिलता है वो पराठा बड़ा वाला। तो गाइस यहाँ पर जो है ये फोटो बनी हुई है, हम इसके अंदर जैसे घुसे हैं 3-4 यहाँ पर थालियाँ लगी हुई हैं उसके ऊपर जो है फोटोज बनी हुई हैं। अब इधर जाना है, इधर जाना है, रूफ टॉप इधर है, रेस्टोरेंट इधर है, शायद इधर ही होगा। भैया ये बड़ा पराठा यही मिलता है क्या? अच्छा, कितना बड़ा होता है साइज में, मतलब सबसे बड़ा आपके पास में? सबसे बड़ा पराठा होता है 32 इंच का। अच्छा, 32 इंच का। यार हम लोग पता है मतलब हमारी ऑडियंस को दिखाना चाह रहे थे कि इतना बड़ा पराठा कैसे बनता है और कैसा क्या दिखता है, हमने सुना है आपके बारे में। तो गाइस ये है मेन्यू और भैया आ गए हमारे साथ। भैया आपका नाम क्या है, सबसे ये बता दें? सुमित शर्मा है। तो हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, जो बेसिक है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये जो पराठा है आपका, ये जो 32 इंच वाला है, ये सबसे पहले कितने तो रुपए का मिलता है, इसकी जो भी डिटेल है वो बताओ आप। इसकी जो कॉस्ट है 32 इंच की, अपने वैरायटीज में मिलते हैं पराठे, 74 प्रकार की वैरायटी मिलती है और 4 अलग अलग साइज मिलते हैं। जो सबसे बड़ा साइज है वो साइज है 32 इंच का, ठीक है। जो 32 इंच का जो प्राइस है वो 700 से स्टार्ट है और 950 तक है। चलो हमको तो आप जो यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पराठा है ना वो देखो। तो भाई 750 प्लस GST का तो आएगा पराठा। पराठे का वेट है 4 किलो, जैसा मुझे अब तक पता चला है 4 किलो का पराठा। खाने के लिए चाहिए हैं 7 से 8 लोग, एक पराठे में 7 से 8 लोगों का पेट भर जाएगा। मुझे तो लगता है यार अगर 4 किलो का होगा तो शायद ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, देखते हैं। साइज़ होगा 3 फीट, 3 फीट यानी 32 इंच। नीचे से बताऊँ तो लगभग इतना आप लोग मान सकते हो। तो देखते हैं अभी आपको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले तो वो दिखाते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता, देखते हैं कैसे क्या बनता है। तो भाई यहाँ पर जो पराठा है वो बनने वाला है, ये इतना आटा यूज़ होगा इसके लिए। ओहो गाइस देखो, इतने में बहुत सारी रोटियाँ बन जाती है घर में। अच्छा, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये है आलू, चलो भाई आलू में पनीर डल चुका है। कितना मसाला डलता है वेट में, लगभग इसमें कितना किलो मसाला डलेगा या कुछ ग्राम? कम से कम इसके अंदर 2.5 किलो मसाला डलता है। 2.5 किलो मसाला? ओहो, पालक है, ठीक है। पालक धनिया गया, हरी मिर्ची गई, ये है सीक्रेट मसाला। हाँ, ये सीक्रेट मसाला, फेवरेट मसाला। कितना बड़ा बेलन है। तो गाइस यहां पर जो सबसे बड़ा पराठा है वो बन करके आ चुका है और आप लोग देखो
भाई साहब इसका जो साइज है वो यार कुछ ज्यादा नहीं है। एक बार मैं जरा इसको उठाने की कोशिश करता हूँ और भाई साहब वेट है इसके अंदर। भैया कितना वजन होगा? 8-10 किलो है टोटल, है ना? थाली मिला के 8-10 किलो वजन है गाइस, आपको मेरे उससे ही पता लग रहा होगा। साइज देखो एक बार, मेरे कंपैरिजन में देखो इसको, उत्तरी की भाई साहब बहुत बड़ा है। ओह हो वाओ, तो भाई क्या बनवा लिया गाइस। चलो अब सब लोग हैं इसको खाते हैं, मुझे लगता है कि ये 7-8 लोगों में भी ज्यादा ही पड़ने वाला है। 4 किलो इसका वेट है। यहाँ पर साथ में ये है रायता मेरे हिसाब से, इधर बहुत सारी चटनी है अलग अलग तरीके की, और ये क्या है, बटर। चलो ठीक है भाई, इंजॉय करते हैं इसको, देखते हैं टेस्ट वेस्ट कैसा है और फिर आपको बताते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है, अब करते हैं पराठे को टेस्ट की एक्चुअली में टेस्ट कैसा है, बिना बटर बिना रायता बिना चटनी के टेस्ट करने वाला हूँ शुरू में, क्योंकि असली टेस्ट तो जो है वहीं से ही पता लगता है। लेकिन एक बार इसका साइज देखो, एक बार इसको उठाना उधर से, ये पहले सब कुछ हटाओ इसका। गाइस इस पराठे को उठा करके दिखाते हैं आपको एक बार, वैसे कटा हुआ है, उठ पाएगा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन देखो, लेकिन देखो इसको वापस हटा दो, अच्छा लग रहा था वैसे ये फिर भी भाई साइज पूरा 3 फीट का है। नापने के लिए जो प्लेट है ना वो ऑलरेडी 3 फीट की है, तो कुछ जरूरत ही नहीं है। चलो कितना, अरे वो तो उनको आदत है ना बनाने की, हो सकता है इसमें नाप के बनाते होंगे। और भाई देखो देखो देखो, अंदर है पनीर और आलू का माल भरा हुआ मस्त वाला, जितना टेस्टी ये देखने में लग रहा है। अब इसको टेस्ट करके भी देखते हैं, चलो करो शुरू। तो भाई जैसा आप नॉर्मली खाते हो वैसा ही इसका टेस्ट है, ऐसा कोई बहुत एक्सेलेंट वाला भी नहीं है, जैसा हम लोग घर में जैसा खाते हैं या बाहर खाते हैं टेस्ट वैसा ही है। साइज जो है ना वो एक्सट्रीम बड़ा है, तो ये चीज़ अपने आप में इसको खास बनाती है। देखो गाइस हमारा काम है जैसा हमको लगा वैसा कहना, अगर मैं झूठ में आपको बोलूँगी बहुत स्वाद है बहुत टेस्टी है तो क्या मतलब है, ठीक है अच्छा है ख़राब नहीं है नॉर्मल है, लेकिन साइज़ बड़ा है, कुछ यूनिक वाली फीलिंग जो है ये चीज़ ज़रूर से देती है। तो गाइज यहाँ पर जो पराठा है वो लगभग ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा भी ये लोग खाए रहे हैं। तो गाइज आज हमने आपको दिखा दिया 32 इंच का पराठा। हम आपको नई नई चीज़ें दिखाते रहते हैं, तो आप लोग भी भाई वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। जो पराठा है, अगर आप ये बोले कि 10 में से मैं इसको कितना रेटिंग देना चाहूँगा, तो गाइज इसके डिज़ाइन के मामले में, इसके साइज़ के मामले में तो इसको 10 में से 10 देंगे, लेकिन टेस्ट और इस सब के मामले में इसको मैं 10 से थोड़ा सा कम दूंगा, यानी कि हाँ क्योंकि 10 तो परफेक्शन हो जाता है, साइज़ में तो ये परफेक्ट ही है यार, कितना बड़ा है साइज़ में। टेस्ट के मामले में आप मान सकते हैं 6 से 7 रेटिंग में इसको दे सकता हूँ, यानी कि इसका टेस्ट ठीक है, जो हमारे घर में जैसा पराठा बनता है ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो ठीक ठाक है, लेकिन साइज़ इतना बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।